राधे राधे निहल बाल आके है ना। तो होती है सखी कि राखों से कत्ले आम हुआ, हुई जमाने में जब ठोकर दिल फिर क्यों बदनाम हुआ। कभी नशा इन आँखों का कभी इन आँखों से अंगार चले, मिट गई कितनी दुनिया इन आँखों से फिर भी आँखों का सच्चा नाम हुआ। ये देखो अभी चल रहे हैं, उठ गए। नाम लीजिए माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरा ब्लॉग शाम से हो गया है शुरू और अभी मेरे लाला भी उठ गए हैं, चल रहे हैं आगे वाले रूम में, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लाला आंगन में नहीं बैठेंगे, लेकिन थोड़ा भी मतलब थोड़ा बहुत घूम लें, बाहर ही घूम लें थोड़ा बहुत। तो ये देखो चल रहे हैं, आप सब भी दर्शन कर लो मेरे लाला का। और घूंघल घूंघल बाल है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से भाग के यहाँ आने में ना देखो कितना गर्व है, यहाँ से वहाँ आने में भीग जाओ, कितना ज़्यादा गर्व है। इतना बड़ा आंगन भी नहीं होना चाहिए, अभी तो कुछ छोटा हो गया है, और बड़ा था। तभी मैं चल रही हूँ, बनाऊँगी मैं चाय गर्मा गर्म, ठंडी का महीना मतलब बारिश वारिश हो या ठंडी का महीना हो, गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ गर्मा गर्म चाय और पकोड़े, गर्मा गर्म चाय। तो आप सब यहाँ का मौसम देख सकते हो कितना प्यारा, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है ना तब भी अच्छा नहीं लगता। तो आज 3 से 4 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, तो अब सब कोई बारिश से हो गया है परेशान, बट इस टाइम थोड़ा निकला है ना तो मौसम बहुत अच्छा था। और बस यहाँ लगे हाथ में थोड़ा बर्तन धुले थे, मतलब जो धुले थे तो दोपहर में ही, बट रख दिए थे, सेट नहीं किए थे। तो अभी मैं लगे हाथ पूरा सामान फटाफट से सॉरी बर्तन फटाफट से सेट कर लूँगी। और अभी चाय बन रहा है तो पहले चाय की चुस्की लिया जाएगा। तो बस यहाँ दूध हो गया था गर्म, उसी में थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के, और टेस्टी सा, चलो मतलब टेस्टी सा समझो या कुछ भी, बस चाय बना के पीना है। और यहाँ बनेगा ये सब्जी, तो ये वाली सब्जी ना बाबा मेरे कभी खाने नहीं देते थे, कुंदरू बोलते थे बुद्धि कुंद हो जाएगी, लेकिन तब भी हम लोगों को अच्छा बहुत लगता है। अब तो खाते हैं, पहले तो नहीं मिलता था खाने को, लेकिन इसका मतलब सब्जी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ चाय बन के हो गया था रेडी, तो अभी सभी लोग चल रहे हैं पीने, हम मम्मी एच भी बच्चे सभी लोग आगे वाले कमरे में बैठे हैं, अभी लेके चलेंगे और सभी लोग साथ में बैठ के पियेंगे चाय। और लल्ला के लिए लेके चल रहे हैं पानी, क्योंकि लल्ला को एप्पल खिलाए थे तो थोड़ा सा पानी भी पिला दें, उनको भी प्यास लगा होगा। तो बस अब साथ में इसलिए लेके चल रहे हैं ना, ताकि दोबारा आना ना पड़े। बारिश में तो यही रहता है ना कि एक साथ जो काम हो जाए, नहीं तो फिर आना पड़ता है। तो अभी ये सब्जी भी कट कर लिए थे हम, चाय भी सभी लोग पी लिए थे, और 1 घंटे लगभग इधर उधर रेस्ट करने के बाद अब फिर से मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ बस चल रही हूँ फटाफट से बनाऊँगी सब्जी। तो आज अभी सभी लोग आ गए हैं घर पे, नहीं तो वैसे तो बहुत लेट में आते हैं भैया दोनों, लेकिन आज तो सब लोग आ गए हैं जल्दी, तो फटाफट से बना ही लिया जाए खाना। तो अभी बज रहे होंगे 7:30, तो मैं बनाना कर दी हूँ शुरू। तो बस यहाँ फट से बनाऊँगी दाल, क्योंकि आज सुबह मैं बनाई थी छोले, तो ऐसा हो नहीं सकता कि दाल ना बने और कोई खा ले। तो सुबह छोले बना लिए थे तो किसी तरीके से सभी लोग खा लिए थे, बट शाम को बनना ज़रूरी है, क्योंकि जब सुबह बनाते हैं ना तो थोड़ा दाल बिना फ्राई के निकाल देते हैं, शाम को ही फ्राई करके दे देते हैं तो सभी लोग खा लेते हैं, तो शाम को नहीं बनाना पड़ता है। और आज सुबह बनाए नहीं थे ना, तो इसीलिए शाम को बनाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के यहाँ सब्जी रोटी बन जाता है तो शाम को खा लेते हैं, बट मेरे यहाँ दाल चावल चाहिए सब्जी सबको, रोटी बने या ना बने, लेकिन दाल चावल सब्जी चाहिए तो चाहिए। तो बस इसीलिए एक साइड रख दिए थे, दाल बन रहा था और एक साइड सब्जी का तड़का दे दिए थे। और वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, सॉरी। और यहाँ बस मैं थोड़ा थोड़े मसाले ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़े थोड़े करके पूरे मिक्स मसाले, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, और लास्ट में मैं अभी ऐड करूँगी कसूरी मेथी और नमक, क्योंकि सब्ज़ी अभी थोड़ा सा भुन गया था। और मैंक भी आ गया था अभी कोचिंग से, तो उसके लिए दोबारा से बनाए थे चाय, तो मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी, ऐसा हो नहीं सकता कि चाय ना पिया जाए। तो बस थोड़ा सा पियेंगे चाय, और उसके बाद मैं अभी
पूड़ी बनाने के लिए गूँथेंगे आटा, क्योंकि आज तीन से चार दिनों से ना सिर्फ पूड़ी ही बन रहा है, क्योंकि इस टाइम श्राद्ध रहता है तो श्राद्ध में रोटी नहीं बनाया जाता है, तो बस इसीलिए तो दो दिन लगातार कचौड़ी भी बनाए और पूड़ी भी बनाए। तो ऐसा होता है ना, ऑयली चीज़ खाने से वैसे मन सा भर जाता है, खाने का मन नहीं करता है, लेकिन जब रोटी नहीं बनाना है तो फिर बनाना तो पड़ेगा ही, क्यों ना थोड़ा ही बनाया जाए। तो बस यहाँ थोड़ा सा मैं पीऊँगी चाय, और ये वाला सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा, मुझे ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो बस यहाँ चल रहे थे आटा गूँथने पूड़ी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे इसमें, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के अच्छे से खस्ता कर लिए थे। उसके बाद में मैं गूँथने लगी हूँ, वो क्लिप थोड़ा डिलीट हो गया है, मतलब ऐसे प्यूश कर दिए थे ना वीडियो, तो इसीलिए वो नहीं बन पाया जो खस्ता किए थे। तो अच्छे से खस्ता करके और उसके बाद में बस मैं गूँथ ली हूँ, और अभी बनाऊँगी मैं फटाफट से पूड़ी। और यहाँ दाल भी बन के हो गया था रेडी, तो पहले इसका मैं लगाऊँगी तड़का, क्योंकि एक साथ सब कुछ रेडी रहेगा, बस पूड़ी बना के और निकाल के दे देंगे सभी लोगों को। तो ऐसा होता है ना कि जहाँ रहो ना बस वहीं का हो जाओ, और इस टाइम इतने ज़्यादा कपड़े ना इधर उधर हो गए हैं बारिश की वजह से, कि सॉरी खांसी आने लगा था, तो मतलब बारिश सूखता नहीं है कपड़ा ना, तो कभी इधर डालो कभी उधर डालो, तो पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ी, और लाइट भी नहीं आता था बराबर, नहीं तो फिर पंखे चला के ही सूख जाते हैं, और लाइट भी नहीं आता तो बहुत सारे कपड़े भीगे हैं, और भीगे कपड़े ना सच में एक दो दिन अगर धूप ना लगे ना तो बदबू आने लगता है, पहनने का भी मन नहीं करता है। तो बस यहाँ तेल अच्छे से हो गया था गरम, और ये ऐसा पूड़ी बनाते हैं ना तो सभी लोग खा लेते हैं, और वैसे सिंपल पूड़ी बनाओ मतलब कुछ डाल के ना बनाओ, वैसे बनाओ तो नहीं खाते हैं कोई भी, और ऐसे बना लेते हैं ना तो एक दो खा लेते हैं। और ये जो छोटी छोटी पूड़ी बनाई गई है ना, ये मतलब अगर पहले चूल्हे पर बनाया जाता था सबके यहाँ, तो उसमें चूल्हे में डाला जाता था, और अब तो गैस पर ही रख दिया जाता है, क्योंकि ये अग्नि माँ के लिए होता है। बस जो पहला पूड़ी बनाओ तो बस दो पूड़ी छोटी छोटी सी बना के अग्नि मैया के लिए निकाला जाता है। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है, तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट करना। तो बस यहाँ खाना बन गया था और निकाल भी दिए थे, तो अभी लेके चल रहे हैं भैया के लिए, तो बस भैया को देंगे वो खाएंगे। अभी बारी बारी से सभी लोग खा लेंगे, क्योंकि 9:30 बज रहे होंगे अभी, और लेके चल रहे हैं। आप सब भी आके खा लीजिए, और ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, बार बार खांसी आ रहा है उसके लिए सॉरी। तो अभी मेरा किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया था, और बर्तन भी मैं धुल के आ गई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाला बारिश है अभी फिर से होने लगा है, तो बर्तन मैं पूरा अच्छे से करूँगी सेट, और मतलब किचन भी पहले क्लीन करके फिर मैं बर्तन धुलने गई थी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और प्लीज़ सपोर्ट करिए आप सब। सच में हर ब्लॉग में मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, बट आप लोग करते नहीं हो, और जो भी करते हैं उनके लिए थैंक यू, थोड़ा बहुत भी करते हैं तो उनको थैंक यू, और थैंक यू सो मच। और यहाँ दिखा रहे थे आप लोगों को कि अच्छे से क्लीन हो गया है गैस भी, और मतलब बर्तन भी पूरा सेट हो गया है, और अभी मैं चल रही हूँ अपनी लल्ला के लिए। और कपड़े देख सकते हो आप सब, कितने सारे कपड़े मतलब इधर उधर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा इधर उधर सब हो गया है, मतलब धूप नहीं निकलता ना तो ऐसे ही रहता है। और यहाँ बस लल्ला के लिए निकाल लिए थे, तो ये मैं ढक के रखती हूँ रात में, तो फुल माला रख दिए थे ढक के, और पानी और लल्ला को खिला भी दिए थे और ढक के भी रख दिए थे। तो लल्ला के पास हमेशा जल भी रखना चाहिए ढक के, और कुछ ना कुछ खाने के लिए लल्ला के पास रखना चाहिए हमेशा। तो बस यही ढक के मैं रख दूँगी लल्ला के लिए, और मेरे लल्ला दोनों गए सो गए हैं, और अभी मैं भी चल रही हूँ लेटने, क्योंकि अभी बज रहे होंगे 10:30 लगभग, क्योंकि पूरा काम फिनिश करते करते टाइम हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।